नमस्कार। आज किसानों की बात, किसानों के साथ किस तरह से धोखाधड़ी की जाती है और किसानों का कितना नुकसान किया जाता है, इसका उदाहरण देवास जिले के सोनकच्छ में मंडी में देखने को मिला। सरकारी मंडी है, यहाँ पर किसान आते हैं, बोली लगती है और बोली के बाद व्यापारी उसका तोल करते हैं, लेकिन तोल में कितना झोल किया जाता है कल सोनकच्छ में देखने को मिला। तोल कांटे को रिमोट कंट्रोल से संचालित किया जा रहा था। 100 किलो की बोरी तोलने के बाद में व्यक्ति कमर के पास में हाथ दबाता है और 100 किलो का 90 किलो हो जाता है, यानी हर एक क्विंटल पर 10 किलो का चूना एक व्यापारी किसान को लगा रहा था। मामले में किसान भड़के, जब उन्हें पता चला उसके बाद में लाइव डेमो तक दिखाया गया कि यहां पर इस तोल कांटे में झोल है और इसके रिमोट कंट्रोल से संचालित किया जा रहा है। उसके बावजूद कृषि उपज मंडी ने मात्र जांच में लिया, नाप तोल विभाग को जांच में दिया, पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या हमारे कानून में इसके लिए प्रावधान नहीं है? हमारे कानून में इसके लिए प्रावधान है, धारा 267 आईपीसी की धारा है। इसमें पूरा उल्लेख किया गया है कि इस तरह की कोई धोखाधड़ी करता है या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है तो उसको 1 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है, और ये गैर जमानती धारा है। लेकिन गजब का सेटिंग चल रहा है इस समय किसानों के खिलाफ। व्यापारी, अधिकारी, मंडी के कर्मचारी, पुलिस तक सब एक हैं, और मारा कौन जा रहा है इसमें? किसानों को इस मामले में जागरूक होने की आवश्यकता है। किसानों को तो बिल्कुल धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर सोनकच्छ जैसी एक छोटी मंडी में एक रिमोट कंट्रोल से कांटा संचालित हो रहा है तो ये आप मान लीजिए कि सोनकच्छ ही नहीं, देवास ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की मंडियों में जांच करने की आवश्यकता है क्या इस तरह की धोखाधड़ी लगातार हो रही है, और कौन लोग हैं जो इस तरह का तोल कांटा बनाते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, यहाँ तक कि उन पर रासुका भी लगाई जानी चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है और किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में कोई भी कार्रवाई न करके पुलिस ने अपना भरोसा भी खोया है, साथ में मंडी समिति के जो कर्मचारी हैं, जो वहाँ के अधिकारी हैं, उन्होंने भी अपना भरोसा खोया है। किसान कल से मंडी में अपना अनाज बेचने के लिए क्यों आएगा जब उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है? मंडी, कृषि उपज मंडी में किसान सिर्फ इसलिए आता है कि उसे पता होता है कि यहाँ पर बोली लगेगी, उसके बाद उसका माल तोड़ा जाएगा, भरोसा लेकर आता है। लेकिन उसका भरोसा तोड़ दिया गया, ना कोई कार्रवाई की गई, ना कुछ किया गया, और इस मामले में नापतोल विभाग की भूमिका बहुत संदिग्ध है। पहले भी ये बता चुके हैं कि नापतोल विभाग लगातार व्यापारियों से वसूली भी करता है, भ्रष्टाचार भी करता है, लेकिन कभी भी ग्राहकों के हित को देखता नहीं है, सब नज़रअंदाज होता है। लेकिन आखिर ये सब क्यों हो रहा है? सब कुछ अपनी जेब भरने के लिए हो रहा है, और इसमें सब कुछ जो पिस रहा है बीच में वो किसान है। इसलिए इन मामलों को बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पर जाँच होनी चाहिए। इस तरह के तोल कांटे कहाँ से आ रहे हैं जिनको रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है? लोग ईवीएम तक की बात करते हैं कि वो हैक नहीं हो सकती, आप देखिए रिमोट से यहाँ पर एक तोल कांटा तक हैक हो जा रहा है, और ऐसे में इन इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। और आज एक प्रकरण सामने आया है, इस तरह के कई प्रकरण होंगे जो पकड़ में नहीं आए हैं। ऐसे में लाखों करोड़ों का नुकसान उन गरीब किसान का होता है जो पहले भी गरीब था, आज भी गरीब बना हुआ है, और सरकार से हर समय कुछ न कुछ मुआवजे के तौर पर मांगता रहता है। उसका कारण यही है कि न तो उसके अनाज का सही रेट मिलता है, और जब वो अनाज बेचने जाता है तो इस तरह से व्यापारियों द्वारा धोखाधड़ी का भी शिकार होता है। ऐसे में अब पुलिस ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए इस पर प्रकरण दर्ज करना चाहिए और सोर्स की तलाश करनी चाहिए कि ये तोल कांटा किस विक्रेता ने उसे बेचा था, किसने इसे बनाया, किसने इंस्टॉल किया। बड़े पैमाने पर अगर कार्रवाई की जाएगी तो एक बहुत बड़ा गिरोह इस मामले में पकड़ा जा सकता है। किसानों के बारे में सोचिए, किसानों की मदद जरूर कीजिए। इस मामले में आपके क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए।